पर्पज बिल्ट टूरिस्ट सिटी तो हम उसको कहते हैं, और ये दुनिया में दुबई के बाद दूसरा एक ऐसा शहर आबाद होने जा रहा है जो टूरिज्म के नाम पे डेवलप किया गया और उसकी ईंट और बुनियाद ही टूरिज्म के कॉन्सेप्ट पे रखी गई। तो अलहम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स वैली, क्योंकि पूरी दुनिया स्पोर्ट्स पे इकट्ठी होती है और स्पोर्ट्स में मुत्तफिक होती है, और शोएब अख्तर साहब भाई हैं हमारे रावलपिंडी से, उनका ताल्लुक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं। उनसे जब हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे अपना विजन शेयर किया, तो हम दोनों ने मिलके ब्लू वर्ल्ड सिटी, नदीम साहब ने, नईम साहब ने, शोएब साहब ने, हमने मिलके एक प्रोजेक्ट कंसीव किया जिसका मकसद है कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए, और फिर पूरी दुनिया से जो लीग्स होती हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं क्रिकेट के हवाले से, या कल को अल्लाह करे वर्ल्ड कप दोबारा हमें होस्ट करना नसीब, वो सब हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि डेवलप करें। और उसके लिए स्पोर्ट्स वैली में जो स्टेडियम है वो 55,000 की कैपेसिटी पे बनाया गया, और उसके इर्द गिर्द जो अब हम एक अमेजिंग फीचर ला रहे हैं वो ये है कि हम विलाज स्पेनिश तर्ज के बना के देंगे, और उस सारे प्रोजेक्ट को शोएब अख्तर साहब खुद हेड करेंगे, वो हमारे पार्टनर हैं इस प्रोजेक्ट में, इसको हेड करेंगे, बनाएंगे शोएब अख्तर एंट्री, उसमें सिर्फ विलाज बनेंगे 6 मरला से लेके 2 किनाल तक, स्पेनिश विलाज होंगे, डिजाइन हम आपसे शेयर कर देंगे शॉर्टली इंशाल्लाह। तो ये आज उसकी साइनिंग सेरेमनी थी जिसपे पूरी दुनिया के लेजेंडरी प्लेयर्स आज उन्होंने हमें इसी